हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कमेंट्स था, तो उन कमेंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोशिया, यहाँ पर आपको 50,000 से 1 लाख रुपये की तक की जॉब TCR पासपोर्ट पर और ECNR पासपोर्ट पर। कंस्ट्रक्शन जॉब है, बहुत सारी होटल्स जॉब्स हैं, पेस्ट्री की जॉब्स हैं, कुकिंग की जॉब्स हैं, वेटर्स की जॉब है, क्लीनिंग की जॉब है, गार्डनिंग की जॉब है, एग्रीकल्चर की जॉब है, पोल्ट्री फार्म में की जॉब है। इस तरह की जॉब्स में आपको 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से मिल जाएंगे। तो जो अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे, वहां पर मैंने जॉब वैकेंसीज के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल डाल रखी है। उस जॉब एजेंसीज के कुछ सर्विस चार्ज हो सकते हैं, लेकिन काफी पुरानी एजेंसीज है। अगर आपका विदेश जाने का सपना है, विदेश जाने की सोच रहे हो, पहली बार सोच रहे हो, तो ये चैनल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स आगे फ्यूचर में भी आती आती रहेंगी, और पहले भी मैं देता रहता हूं कि हमेशा किस डेट को कौन सा इंटरव्यू है, कहां पर है, कौन सी। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का जो सवाल है वो सिंगापुर से रिलेटेड है कि क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मुन्ना चौधरी योर 2977 स्क्रीनशॉट पर आ रहा है, तो उन्होंने पूछा है, भाई मेरा ये टॉपिक पर वीडियो बनाओ, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है किसी ने आपको ये क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन है, सिंगापुर में वर्क परमिट का वीजा 2 साल का होता है, अगर किसी कंपनी चेंज करनी है तो ये पॉसिबल है या नहीं, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश ना करने की कोई छोड़ के इंडिया आना चाहते हैं तो कितना फाइन करना है इसके बाद। तो देखो, सबसे पहले वो सिंगापुर में वर्क परमिट आप आ रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि सिंगापुर में अगर वर्क परमिट पर हो, 800 से $1200 आपकी सैलरी होने वाली है। अगर आपका सिंगापुर का जो वर्क परमिट है वो 2 साल का वीजा है, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको कंपनी से, जिस कंपनी में आप पहले जॉब कर रहे हो, आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, आपका जो IPA या वर्क परमिट है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, फिर आप इंडिया जाना पड़ेगा आपको, फिर आप दूसरी जॉब पर, आपका जो दूसरा एम्प्लॉयर आपके लिए फाइल लगाएगा, जैसे आपका IPA दूसरा अप्रूव हो जाता है तो आप इंडिया से उस IPA पर आ सकते हैं। तो आपको सवाल का जवाब मिला होगा। दूसरा इसी का सवाल है कि किसी क्या कोई फाइन देना पड़ता है, भाई ऐसा कोई नहीं है। अगर आप पहली कंपनी में काम कर रहे हो, आप काम नहीं करना चाहते, आप अपना परमिट कैंसिल करवा सकते हैं, आपका बॉस आपके लिए हेल्प करेगा कि कैंसिल करवाने के। देखो ऐसा है, लेकिन कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा जब आप किसी कंपनी में आ रहे हैं तो 2 साल उस कंपनी को देना मेरे हिसाब से सही लगता है, क्योंकि आपको उस इन्वायरमेंट में, सबसे पहले सिंगापुर में आपको सेक्रीफाइस को, यहाँ की लाइफ है सिंगापुर को समझने में भी 1-2 साल आराम से लग जाएंगे। तो सिंगापुर में 2 साल का भी फाइन, कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ के अभी आप इंडिया जा सकते हो। काफ़ी लोगों को सिंगापुर इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ को लगता है कि भाई सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन सिंगापुर में जो सैलरी वर्क परमिट पर वो 800 से 1200 है, तो कोई फाइन नहीं लगता। इसके बारे में तो मैंने आपको जो सारा आंसर बता दिया कि 2 साल का जो वर्क परमिट है, आप, मेरी जो रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा करना चाहते हैं तो उस 2 साल को पूरा करें, फिर आपका परमिट फिटनेस हो जाएगा, आप दूसरा एम्प्लॉयर देखें, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां दें, आप इंडिया वापस जाके, आपका जब एम्प्लॉयर अप्रूव हो जाएगा IP, आप दूसरा ले सकते हैं। आई होप सो आपके कमेंट्स का जवाब मिल गया। आपका क्या कमेंट्स है मुझे जरूर बताना। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक। Thank you for watching this video.